दर्शक भाई जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो ऊपर पेड़ है और नरम जमीन है। अभी पता लग जाएगी ट्रैक्टर दबेगा या नहीं। साइलेंसर देखते रहना आप, लीवर डाउन कर दो, लीवर दोनों डाउन है लेकिन रोटावेटर कम लग रहा है देख सकते हो। तो दर्शक भाई आज मैं गढ़ क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर 5500 ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड, और यहाँ पे एक्सल सीरीज के ट्रैक्टर बहुत हैं। यहाँ पे 5500 ट्रैक्टर मिला है मुझे। भैया एक बात बताओ, क्या फिट का रोटावेटर है ये? 7 का? हाँ जी। नाम बताओ अपना? अरविंद सिंह। अच्छा आप यहाँ फार्म पे ड्राइव करो ट्रैक्टर को? जी। अच्छा एक बात बताओ, कितने ट्रैक्टर हैं इनके पास में? फिलहाल तो 5 है। कौन कौन से? 2 तो है, 3 तो है 5500। एक और 3630। अब वो 3630 चल रहा है उधर। यू अलग है, यू एक्सल सीरीज का ट्रैक्टर है वो, सिंपल है। ये 3 है एक्सल सीरीज के, 3 मशीन चल रही है। अच्छा इन दोनों ट्रैक्टरों में क्या फर्क है? इसमें फर्क क्या, वो छोटा है इसको मशीन ना चलने की ना, 4x4 ही चला सका, ये मशीन बड़ी आलू बोने की। अच्छा तेल का एवरेज कैसा है हॉलैंड का? तेल का एवरेज तो वैसे ठीक है जिससे काम। अच्छा हॉलैंड से अलावा और भी ट्रैक्टर है इनके पास में? और हैं। कौन से? एक और 380 है आई सर। वो तो छोटे मोटे काम की नहीं होएगा ना? हाँ जी, वो ऐसी आलू वालू ढोने। तो इन्होंने फिर हॉलैंड के भी तो छोटे ट्रैक्टर आए हैं, वे क्यों ना लिए इन्होंने? छोटे इससे छोटे तो कोई ले ना, सब 36-30 से ऊपर बड़े बड़े ना। जैसे वो आई सर का खरीदा, वो तो छोटा ट्रैक्टर है ना, तो हॉलैंड का छोटा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए ना इन्हें, जब हॉलैंड पे शिफ्ट है। छोटे हैं, मेसी हैं, पुराने होंगे ना वे? हाँ पुराने हैं, नए भी हैं। अच्छा ये जैसा टंकी भर के सुबह चलाओ ट्रैक्टर को, कितना काम कर दे एक टंकी रोटावेटर का? एक टंकी रोटावेटर पर यदि सही लिमिट में चलाओगे तो शाम तक भी चल जाएगा। ये रोटावेटर छोटा ना ट्रैक्टर के हिसाब से? छोटा है। 7 फीट के पे दबता दबाता था ना? दबने का तो कोई मतलब ही ना। 10 फुट आगे रो लागा धुआं ना, थोड़ा तेल फालतू लगेगा, इतना ही कर सकेगा। अच्छा ये फील्ड किंग के रोटावेटर बहुत मिले मुझे यहाँ, इनमें कुछ खास बात? खास बात ये है जुताई जो बेहतरीन कर रहे हैं फील्ड किंग के। कितनी मार्केट में 101 रोटावेटर हैं, ऐसी तो बात ना, वे भी बढ़िया जुताई कर रहे हैं। जुताई बढ़िया की बात ना, पुराने हैं ये, पहले इनके इस कंपनी। चलो ये तो अपनी अपनी उसकी बात है, कौन किस चीज पसंद कर रहा है कैसा। बाकी और तो कोई दिक्कत ना? और कोई एक ऐसी कमी बता दो ट्रैक्टर के अंदर जो दूर करनी चाहिए कंपनी को, कहीं कुछ चीज धरने में कुछ चलाने में कोई भी परेशानी आ रही हो A to Z? हाँ भाई एक हिच कमजोर है इसके। हिच टूट जाओ है क्या परेशानी? हाँ देख लो एक बार भाई, इसके हिच कमजोर है, ये कमी है इसमें और कुछ हो तो। अजी अब तो ऐसे ना आ रहे ना, अब तो हैवी वाले आ रहे हैं। यही आ रहे हैं ना ना, अब तो हैवी आ रहे हैं। 4x4 में कंपनी में जा रहा है ना नया ट्रैक्टर, उसका सेव है, यही दिक्कत है फिलहाल तो। दर्शक भाइयों ये गियर बॉक्स वैसा है, इसमें राउंड चेंज ना होते ना, इसमें गरारी वरारी तो रहती ना, कोई ना वो तो नए वाले में आ रहे हैं। तो हॉलैंड ट्रैक्टर तो डबल लगे है इस रोटावेटर पे जिसमें राउंड चेंज ना होते, यू चल रहा सही है तो मट्टी भी कैडी वाली है। अच्छा जैसे वो ट्रैक्टर चल रहा अरे यू दोनों रोटावेटर चल रहे हैं, तो माइलेज में या चलने में कुछ फर्क हो इन दोनों में? फर्क है, मान लो वो ट्रैक्टर है तो दूसरे किलो में चला सकें उसे, इसे कोई समय। अच्छा जैसे तीसरे का लगा दें या पहले का लो लगा दें तो उनमें दबे है ट्रैक्टर? हाँ दबे है। यूँ ना दबे बिल्कुल भी चला, तो टर्बो होएगा ना? हाँ टर्बो है, टर्बो फिर भी हल्का माड़ा दबे टर्बो चार्ज की वजह से दोनों, जो अब नए आ रहे हैं ना TX। कितने RPM तोड़े हैं? 100-200 तोड़ देते होंगे। हाँ बढ़िया चला है, जब 100-200 तो इन पे ही तोड़ रहे हैं, फिर 10 फुट का कैसे खींचेगा? वो तो सिंपल सी बात है, इस पर टीलर जोड़ दो तुम, 13 का टीलर है हमारे पास। हाँ उस पर जोड़ दो, उस पर जो आगे से खड़ा हो जाएगा। अच्छा ट्रैक्टर इतना भारी है टीलर तो, यू तो फोर व्हील ड्राइव।